जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द और परिभाषिक बात हो सकते थे उनको हम लोगों ने देखा। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। समय चूंकि कम है इसलिए हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको ससमय अपना जो प्रॉब्लम है उस सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हम पिछले वीडियो में देखे थे, अगर जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। जो सबसे पहले हमको निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। उस ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू जानने से पहले कुछ परिभाषिक टर्म को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में फेयर रेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित किराया। ठीक है, तो उचित किराया का मतलब होता है ऐसा किराया जितना मतलब उस मकान का किराया होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है ना, उचित किराया नाम से उचित ये होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा होता है म्युनिसिपल वैल्यू। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी के एरिया में रह रहा है यानी कि नगर निगम के क्षेत्र में रह रहा है ना, तो वहां पे एक टैक्स लगता है, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स उस वैल्यू पे ही लगाया जाता है। ठीक है ना, तो वो जो निगम होते हैं वो उस मकान का एक वैल्यू फाइंड करता है, जो इस मकान का इतना वैल्यू होना चाहिए, उस वैल्यू पे वो कर लगाता है। चाहे वो मकान किराए पर लगा हो या नहीं लगा हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो टैक्स लेगा। तो टैक्स लेने से पहले तो उस मकान का एक वैल्यू निकालता है, वो जो वैल्यू निकालता है वही होता है म्युनिसिपल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नगर पालिका मूल्य। ठीक है, और जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, जिस एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है वहां पे स्टैंडर्ड रेंट भी दिया होता है। ठीक है, और चौथा जो है वो है एक्चुअल एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है अगर मकान को किराए पर उठा दिया है तो जो किराए प्राप्त होता है ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन, आपको क्या करना है, फेयर रेंट लिख लेना है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखना है, म्युनिसिपल वैल्यू। देखिए, ये आपको जरूरी नहीं है जो फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू दोनों दिया ही हो, एक भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी ना दो दे, या मैक्सिमम जो देगा यही देगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों अमाउंट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, इन दोनों में जो बड़ा होगा, व्हिच एवर इज ग्रेटर, यानी कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा। इसी वीडियो में हम दो तीन प्रैक्टिकल भी आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप एक वीडियो के बाद आप पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बना लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो बड़ा होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पे स्टैंडर्ड रेंट लग रहा हो, ये ध्यान से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड रेंट लग रहा हो मतलब ऐसा भी हो सकता है रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पे नहीं लागू है, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू है तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा, तो आप ढूंढेंगे स्टैंडर्ड रेंट को, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू है, बात खत्म। ठीक, अगर मान लेते हैं, मैं मैक्सिमम बात बता रहा हूं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, है तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में ग्रेटर को ले लेना है और फिर स्टैंडर्ड रेंट को लिखना है, यानी कि ये जो इन दोनों का जो बड़ा होगा वो, और स्टैंडर्ड रेंट व्हिच इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया। मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया, और इस संभावित किराया कैसे निकालेंगे, तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में बड़ा ले लेना है और स्टैंडर्ड रेंट को लिख लेना है। अब इन दोनों में जो छोटा होगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। मैं उम्मीद करता हूं एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकालना सीख लिए। उसके बाद संभावित किराया जब आपको पता चल गया, अब क्या करना है, एक्चुअल रेंट देखना है, वास्तव में कितना किराया मिल रहा है उस भवन से। अब क्या देखना है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो बड़ा होगा, व्हिच इज ग्रेटर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा हो, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख लिया,
एक्सपेक्टेड रेंट निकालना सबसे पहले सीख लेंगे, और एक्चुअल रेंट तो दिया ही रहेगा, दोनों में कंपेयर करेंगे व्हिच एवर इज ग्रेटर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को घटाएंगे तो एनुअल वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एनुअल वैल्यू यानी कि वार्षिक मूल्य, शुद्ध वार्षिक मूल्य, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब हो गया सकल वार्षिक मूल्य। तो सकल वार्षिक मूल्य में से म्युनिसिपल टैक्स को घटा देंगे तो आ जाएगा वार्षिक मूल्य, और वार्षिक मूल्य में से दो डिडक्शन को हम घटाएंगे। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि एनुअल वैल्यू जो भी निकलेगा, यानी कि ग्रॉस वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 30%, ये कंपलसरी है, प्रत्येक क्वेश्चन में से आपको घटाना होगा। ठीक है, अगर लोन पे पैसा लेकर घर बनाया है तो कुछ कटौतियां यहां भी मिल जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी घटा देंगे, यानी कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन ये घटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म। इसके अलावा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैं वादे के साथ कर रहा हूँ, और ये समझ लीजिए ये वादा कंप्लीटली पूरा होगा अगर आपने ध्यान से देख लिया। बस छोटा ही वीडियो है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर आपने जो समझाया था यह नहीं बना सर। ठीक है, चलिए एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 और फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000। तो हमने क्या कहा था, इन दोनों में जो बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा है, 36,000। ठीक है, क्या हो गया, तो आपको पहले ये दो ही देखना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। मैं अभी बताया हूं जस्ट म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, 30,000 दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000, दोनों में कौन बड़ा है, 36,000। तो 36,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। मान लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, ठीक है 30,000, तो इन दोनों में क्या लेना है, सबसे छोटा 36,000 और 30,000 में, 30,000 छोटा है, ये 30,000 क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहला स्टेप आप लोग यही कीजिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, इस बात को समझ लीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट, म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो सबसे बड़ा लेना है तो हमने 36,000 को चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है बस। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे सबसे पहले, उसमें से बड़ा ले लेंगे, और इस 36,000 को और स्टैंडर्ड रेंट जो दिया हुआ है दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, तो पहले में बिग फिर उसमें लेस लेना है, छोटा को लेना है जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ठीक है, 30,000 निकल गया, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 40,000, तो अब इन दोनों में क्या लेना है, बड़ा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में बड़ा, तो 40,000 बड़ा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया कितना, 40,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया, 40,000। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमको क्या क्या घटाना है, म्युनिसिपल टैक्स, सिर्फ एक म्युनिसिपल टैक्स, ये भी पेड कौन किया है, अगर ये करदाता पे किया है तब, अगर भाड़ा पे जो रह रहा है वो कर दिया है तब नहीं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर के द्वारा भुगतान होना चाहिए। कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान रेंटर कर देता है, किराएदार कर देता है, तब नहीं घटाएंगे। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर ओनर किया है तब घटाएंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर म्युनिसिपल टैक्स को घटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू में से अभी जस्ट बताए थे आपको दो चीज घटाना है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों अमाउंट जोड़ के यहाँ पे घटा दीजिए, वो हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब एग्जाम का कम ही समय है, उससे कोई बात नहीं है, आपको कंप्लीट मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। धन्यवाद।